जी हाफिज़ फुरकान ताहिर भाई और उर्फ फैसलाबादी मुंडा भाई, ये जिन जिन कंट्रीज़ की मैं वीडियोस और पिक्चर्स जो थी मैंने ऑलरेडी हमारे पेज के ऊपर शेयर की हुई हैं या चैनल्स के ऊपर शेयर की हुई हैं, उन कंट्रीज़ के पास ये बहुत अरसा पहले से हैं, ज़माना कदीम से। अब उनके पास कहाँ से आई? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तो आपके कोई डायरेक्ट रिश्तेदार नहीं ना लगते, जिनके साथ आप रिश्ता जोड़ लें और कहें कि जी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम आपके रिश्तेदार थे और उन्होंने आपसे लेकर नऊज़ु बिल्लाह उनको दी थी। तो कहानी को अगर आप नूह अलैहिस्सलाम तक ले जाएं, आदम अलैहिस्सलाम तक ले जाएं, एंसेस्ट्री कभी भी आपको कोई ब्रीड क्लेम नहीं लेकर देगी। ब्रीड क्लेम आपकी अपनी कम्युनिटी का पैदा किया हुआ होता है। अगर आपने अपनी कम्युनिटी में कोई नया स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश किया जो पूरी की पूरी कम्युनिटी में सेम है और दुनिया की बाकी ब्रीडों से मुख्तलिफ है, तब जाके आपकी कोई क्रिएटिविटी क्लेम होती है। मुंह उठाकर आंखों को आंखों से मिलाने से या रंगों को आपस में पेयर अप करने से कोई न्यू ब्रीड नहीं बनती, कोई न्यू क्रिएटिविटी का क्लेम जस्टिफाई नहीं होता। अब किस कंट्री के पास कौन सी ब्रीड किस सन में आई, सन ईसवी में आई या मतलब आफ्टर बीसी आई या सॉरी बिफोर बीसी आई या आफ्टर क्राइस्ट है, इन आइदर केस वो हरगिज आपका क्लेम नहीं बनती। आप वो बात करें जो आप लोग क्रिएटिविटी क्लेम करते हैं, उसके ऊपर बात करते भी आप अच्छे लगते हैं। अपनी हिस्ट्री हम लोगों की 70 ईयर्स समथिंग की है, यहाँ के सो कॉल्ड जो हम क्लेम लिए बैठे हैं। अगर हम बैक पर जाएं तो डिफरेंट इलाकों से यहाँ पे नेशंस आकर आबाद हुई हैं। मुगल हिस्ट्री पढ़ लें, और अगर नहीं पढ़ सकते तो मैं अभी आपको पढ़ के दिखा देता हूँ उसमें क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। तो पहले स्टडी तो थोड़ा करें ना, स्टडी करते नहीं हैं, बहस करने आ जाते हैं।